हेलो वेलकम टू द एंड द ब्लॉग। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। आज का दिन है दिवाली का दिन और बड़े सारे काम करने होते हैं मुझे आज। एंड मैं सोचा कि एक छोटा सा ब्लॉग शेयर किया जाए। एंड बहुत सारे काम होते हैं ना जब दिवाली का दिन होता है, लाइक खाना बनाना, पूजा, डेकोरेशन, रंगोली एंड शाम को खुद रेडी होना होता है, दिए जलाने होते हैं। तो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड यस, अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं, मैं थोड़ा सा लेट चल रही हूँ, बट एट द एंड सब कुछ मैनेज हो ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिवाली ब्लॉग। रियान पानी लो। रियान को पानी देने के बाद मैं किचन में आ गई थी रियान का सूजी बनाने, क्योंकि वो हर सुबह मॉर्निंग सूजी खाता है, उसके बाद ही कुछ और खाता। और मैं अपना हॉट वाटर भी रेडी कर रही थी, क्योंकि मैं एंटी स्टमक एप्पल साइडर विनेगर हॉट वाटर में पीती हूँ। तो मैं खड़ी होकर सुकून से घुट घुट करके अपना हॉट वाटर पिया। सूजी जब तक ठंडा हो रहा था तब तक मैंने नेल पॉलिश लगा लिया, क्योंकि मुझे पता है दिन में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। और रियान मुझे पहले ही बोल चुका था कि मम्मा मुझे रिकॉर्ड मत करना खाते टाइम, तो इसलिए मैंने नहीं किया। मैं हो चुकी हूँ रेडी एंड अभी मुझे ब्रेकफास्ट करना है एंड खाने पे लग जाना है। और यहाँ पे लग गया स्पीकर, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जिस दिन दिवाली होती है वहाँ पे, यहाँ पे जो है काली पूजा होता है, पंडाल होते हैं, काली माँ की मूर्तियाँ आती हैं। तो यस, बट मुझे खाना बनाना है और मैं लगती हूँ, क्योंकि बहुत सारा आइटम भी बनाना है, क्योंकि रात का खाना और दोपहर का खाना दोनों ही बनाना है एक ही टाइम पे। तो यस, उसके बाद डेकोरेशन शुरू करेंगे। ओके, एंड उसके बाद तो मैं मेकअप करूँगी एट लास्ट। तो चलते शुरू करते हैं वरना बहुत लेट हो जाएगा। चलो चलो। चाय बनाने के लिए मैं चाय पत्ती ढूंढ रही हूँ और वो सामने ही पड़ी है, तो जल्दी में जब होते हैं तो ऐसा होता ही है। तो जब तक चाय मेरी बन रही है तब तक मैं किचन में कुछ काम कर लेती हूँ, जिससे मेरा टाइम जो है यूटिलाइज होगा। आज खाने में बनेगा सूरन की सब्जी एंड आलू दम। तो सूरन को मैं हाफ बॉयल होने के लिए चढ़ा दूँगी एंड आलू को मैं कुकर में चढ़ा दूँगी बॉयल होने के लिए। जब मैं नाश्ता करके वापस आऊँगी ना तो ये बॉयल हो जाएंगे, तो मैं फटाफट में फ्राई कर लूँगी। मुझे ये बेसन की पापड़ी ना बड़ी पसंद है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यू नो, जब भी हल्का फुल्का मुझे भूख लगती है ना तो मैं इसे क्रंच करती हूँ। और मॉर्निंग में दूध की चाय मेरे लिए मस्ट है, दिन में एक बार तो पीती हूँ, शाम को नहीं पीती। एंड मैं खाते खाते भी यही सोच रही थी कि मुझे नेक्स्ट क्या काम करना है। तो यस, एंड मुझे बनानी है मटर की कचौड़ियाँ, इसलिए मैं इसे मिक्सर में ग्राइंड करके ना पेस्ट बना लूँगी। एंड जो हमने बॉईल किया था सूरन एंड आलू, उसे हम सरसों के तेल में फ्राई करेंगे। ज़्यादा हेल्दी है सरसों का तेल कम्पेयर टू वाइट तेल। कचौड़ी का सॉफ्ट मैदा भी गूंथ चुका है। मैं यहाँ मसाले रेडी कर रही हूँ, अदरक, लहसुन, जीरा और मिर्ची का एक पेस्ट बनाया। पहले ऑनियन पेस्ट डाला, देन हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। दोनों सब्जियां एक साथ बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है मसाले में। मैं आलू बिल्कुल नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं है, एंड सूरन में मैंने बिल्कुल आलू नहीं डाला है। यस, फिर मैं आधा नमक अभी डालूंगी और आधा बनने के बाद, देन टमाटर डाला, हल्दी डाला और इसे मैं भूनने के लिए छोड़ दूंगी। जब तक मसाले भूनते हैं तब तक मैं थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर ले रही हूँ, लाइट चेक कर ले रही हूँ ठीक है कि नहीं, एंड फ्लावर वगैरह सजाऊंगी। दिवाली में सबके घर में फ्लावर सजते ही हैं, तभी तो दिवाली वाली फीलिंग आती है। बंधे वाल लगाया एंड बहुत सिंपली मैंने अपने जो है आउटडोर को डेकोरेट किया है। तो खाना बनाते बनाते मेरा जो है आउटडोर सज गया है, एज यू कैन सी। एंड हमारे नेबर्स भी यहाँ पे बना रहे हैं रंगोली, मिली बना रही है, जो कभी कभी मेरा वीडियो भी रिकॉर्ड करती है, हेल्प करती है मेरा। मसाले भूनने में ना थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने सोचा जब तक कि मसाले भूनते हैं तब तक मैं आउटडोर के फ्लावर वगैरह का डेकोरेशन कर दूं। एंड मैंने धीमी आंच में छोड़ के गई थी एंड मैंने डेकोरेशन भी कर लिया और मैं बीच में आगे इसको चलाती जा रही थी। तो अभी ना खाना बनने के बाद मुझे रंगोली भी बनानी है, एंड हम साल में सिर्फ एक बार ही रंगोली बनाते हैं, तो हमारा हाथ जो है वो सेट नहीं होता है। थोड़ा सा डर भी लगता है कि कैसे बनेगा। एंड रियान को चाहिए कि उसका जो रंगोली हो वो अच्छे से बने, ज़्यादा सुंदर बने, बड़ा बने, तो मैं कोशिश करूँगी अच्छा बनाने की भी। तो थोड़ा सा लग रहा है कि वहाँ अगर ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो मुझे और जो सब कुछ शूट करना है थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो आई ट्राई माई बेस्ट मैं फटाफट करूँ। एंड यस, मैं फटाफट अपनी सब्जियाँ बना लेती हूँ, उसके बाद मुझे भगवान जी लोगों को भी कपड़े पहनाने हैं, मंदिर पर भी जो है लाइट्स वगैरह लगानी है, बहुत कुछ करना है, मैं फटाफट करती हूँ। यहाँ मैंने बॉयल्ड एंड फ्राइड आलू मसाले में डाल दिए हैं, इसमें ऐड किया गरम मसाला एंड चीनी और मेरा आलू दम रेडी हो गया।
सुरन भी ऑलमोस्ट बन ही चुका है और यहाँ मुझे मटर का जो हमने पेस्ट बनाया था उसे भूनना है। जब तक मसाला भूनता है तब तक मैं यहाँ मौसम्बी का जूस बना ले रही हूँ रियान के लिए। इस पैंडेमिक में ना विटामिन सी का इंटेक बहुत ज़रूरी हो गया, स्पेशली बच्चों के लिए, तो मैं ये कभी स्किप नहीं करती हूँ। साथ ही साथ अपने लिए फ्रूट्स भी काट लिया मैंने। रियान कचौड़ी के स्टफिंग के लिए परफेक्ट भून चुका है। इसमें मैंने ऐड किया शुगर एंड गरम मसाला, नमक पहले ही डाल लिया था। जब तक ये ठंडा होता है तब तक मैं अपना फ्रूट्स खा लेती हूँ, क्योंकि खाना मिले ना मिले फ्रूट्स मस्ट है मेरे लिए। और फिर मैं यहाँ पर कचौड़ी बनाने के लिए आ गई थी किचन में, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था और हमारे यहाँ ना सब एक एक कचौड़ियाँ गरम गरम खाते हैं, बन के नहीं रखता है, ठंडा हो जाता तो कोई नहीं खाता है, इसीलिए तो मैं एक एक बना रही थी और सासू माँ एक एक खिला रही थी सबको। एंड क्योंकि आज वेज डे है तो वेज डे में सब यहाँ पापड़ ज़रूर खाते हैं, तो मैं पापड़ भी मैं छान रही थी सबके लिए। सबको खाना वाना खिला के मैं चली गई थी रंगोली बनाने और मैंने सोचा मेरे से कुछ अच्छा बन जाए जल्दी जल्दी में। फाइनली मेरा रंगोली बन गया था तो थोड़ा मुझे रिलीफ हुआ। मैंने खाया अपना खाना, नेक्स्ट हमें भगवान जी लोगों को नए कपड़े पहनाने थे और ये है मेरा मंदिर जिसे एक दिन पहले सासू माँ ने क्लीन किया था। ये मेरे लड्डू गोपाल हैं, इन्हें मैं नए कपड़े पहना रही हूँ, नए मुकुट पहना रही हूँ। तो यस, मैंने सभी को पहनाया नए कपड़े और फिर हमारे भगवान जी ऐसे दिख रहे थे पीले पीले वस्त्र पहने। तो ये काम मेरा ख़त्म हुआ, अब मैं अपनी थाली से जा रही हूँ जो मैं मंदिर लेके जाऊँगी। एंड दिए भी मैं ठीक कर ले रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सरसों का दिया जलता है घर पर और मंदिर में घी के दिए जलते हैं। क्योंकि रेडी होंगी, नया साड़ी पहनूंगी ना तो तेल वगैरह घी वगैरह लग जाता है तो ख़राब हो जाते हैं, इसलिए ये सब काम पहले कर ले रही हूँ। रेडी होने के बाद सिर्फ दिए जलाने ही रह जाएंगे फॉर सेफ साइड। तो मैं थक हार के सारा काम करके रूम में आ गई हूँ, अब मैं करूँगी शुरू अपना मेकअप। मैंने ये साड़ी निकाली है और उसके साथ ये ब्लाउज, मुझे बहुत पसंद है ये ब्लाउज, एंड उसके साथ थोड़े से गोल्ड की ज्वेलरी निकाले हैं पहनने के लिए बहुत मिनिमम। फटाफट मेकअप करूँगी क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। फेशियल ऑयल लिया, अपने चेहरे को डीप मॉइस्चराइज किया, देन मैंने प्राइमर लगा लिया था, देन कलर करेक्टर यूज़ करूँगी एंड देन कंसीलर। कंसीलर फटाफट ब्लेंड किया, उसके बाद डैड फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। जल्दी में जब इंसान रहे तो क्या ना करे तो मैं इस तरह से फटाफट फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, उस ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। देन थोड़ा सा फेस को हाइलाइट करने के लिए मैं लाइटर कंसीलर अप्लाई करके उसे फिंगर के हाथ से ब्लेंड करूँगी। देन इसे लूज पाउडर से मैं सेट कर ले रही हूँ, देन सेटिंग स्प्रे से फिक्स कर लूँगी। आईब्रोज़ को शेप दिया और बहुत क्विकली आई मेकअप करूँगी। तो पिंक साड़ी है तो पहले पिंक शेड पिक किया मैंने और उसे पूरे आईलिड पर हम अप्लाई कर लेंगे, उसे ब्लेंड कर लेंगे। देन ना हम सेम आशाडो पैलेट से डार्क पिंक शेड पिक करेंगे और इसे ना हम आउटर वी पर एंड आई क्रीज पर पहले प्लेस करेंगे, देन सर्कुलर मोशन पर हम इसे ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे। इससे होगा ये ना कि हमारे आँखों पर डेप्थ आएंगी। फ्लफी क्लीन ब्रश की हेल्प से हम आईशैडो के एजेस को स्मच कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे जिससे कोई भी हार्ड एजेस नहीं दिखे। सो इस ब्यूटी का लिक्विड आईशैडो मिडल आईलिड पर अप्लाई करके उसे ब्लेंड कर लेंगे। इतना ही सिंपल आईलुक रखूंगी, देन हम लोअर आईज पर काजल अप्लाई करेंगे, उन्हें ब्लैक आईशैडो से स्मच कर लूँगी, लाइनर लगाऊंगी एंड देन मस्कारा। बहुत ही मिनिमम ब्लश अप्लाई करूंगी, ज़्यादा अप्लाई नहीं करूंगी। हाइलाइटर अच्छे से अप्लाई करूंगी स्पेशली आईज़ के इनर कॉर्नर पर, क्योंकि जब पिक्चर्स वगैरह लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, ग्लोइंग ग्लोइंग फेस लगता है। एंड लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, ये ग्लॉजी लिपस्टिक है और इसे लगाने के बाद ना, देन थोड़े से डार्क शेड का लिप लाइनर लिया और इससे ना हम अपने लिप को लाइन कर लेंगे। इससे ना लिप्स थोड़े से अट्रैक्टिव एंड फ्लफी दिखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। एंड मैंने अपनी साड़ी पहन ली, हेयर को स्ट्रेट कर लिया एंड अपनी ज्वेलरी ऐड कर ली। रेडी होके मैं डायर रूम के बाहर आ गई थी दिया जलाने के लिए, क्योंकि शाम हो चुकी थी और घर का पूजा मम्मी कर रही थी, तो मैंने फटाफट सब दिए जला दिए, क्योंकि घर का दिया जलाने के बाद हमें बाहर मंदिर भी जाना होता है दिया जलाने के लिए।
मेरे लोकल एरिया में दो मंदिर है, तो मैं वहाँ हर साल जाती हूँ, दिया जलाती हूँ एंड लड्डू चढ़ाती हूँ, और बगल में हमारी काली माँ की मूर्ति भी आती है, तो वहाँ भी हम दर्शन कर लेते हैं। मंदिर से वापस आके जो मैंने पहली चीज़ की ना, वो खाई थी तेज घी का लड्डू, क्योंकि दिवाली है, मिठाई नहीं खाया तो क्या किया, तो एक लड्डू तो बनता ही है, राइट? हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। तो बस इतना ही होता है, पूरा दिन निकल जाता है घर के कामों में एंड घर की साफ़ सफाई करने में, सजाने में घर को, इतना ही करती हूँ। बड़ा सिंपल मेरी दिवाली होती है। और आप देख सकते हैं मैंने अलमारी में ये दिया जलाया है। वैसे बोलते हैं ना दीपावली में आप जहाँ दिया जलाते हो वहाँ पे बरकत होती है, तो इसीलिए अलमारी में लगाया है, ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए मैं भी रूम में हूँ। वैसे मैं मंदिर गई थी, वहाँ भी दिया जलाया, वापस आई। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में आज के दिन जो है काली पूजा होता है, पंडाल होते हैं, काली माँ की मूर्तियाँ लगती हैं, दिए जलाए जाते हैं, तो यही सब है। एंड वैसे पटाखा वगैरह मैं जलाती नहीं हूँ, नहीं जलानी चाहिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए अच्छी नहीं होती है। बट बच्चों के लिए एक दो मैंने मंगाया है जो रियान जलाएगा, दैट्स इट। एंड हाँ, बस इतना ही सिंपल होता है। अभी 8:30 बज रहे हैं, उसके बाद सब खाना पीना खाएंगे और ये दिवाली का जो दिन है वो ओवर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, आपको अच्छी लगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। लो लो पकड़ लो, होगा लो, पकड़ पकड़ बड़ा होगा, हाँ लो दूर करके, ऐसे हाथ को दूर करके, हाँ करो।